किस मंतव नाल कीता गया जी? देखो संजय बंसल ते परचा करके 307 दा उन्होंने जेल भेजता जी, जिहड़ा जिहदा कोई कसूर नहीं सी, उन्हें अपनी सेफ साइड ली रिवाल्वर चलाया सीगा जी, आपदे पंप की रक्षा खातर भी गैस है वो अग ला रहे सीगे जी। उन्होंने अजे तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की जी, उन्होंने नॉर्मल परचा देता तू तू मैं वाला देता जी, जो कि उन्होंने 307 दा घरे बढ़न दा जी, उत्थे पंप ते बढ़न दा लीगल थां भन्नण दा जी परचा चेंज सीगा। ये समझ तो बाहर है भी पुलिस प्रशासन सुत्ता क्यों पिया जी, सरकार क्यों सुती पी है जी, ये कोई लैन देन होया जां की होया? शहर के इस गल का बहुत ज़्यादा रोस प्रगट होया पिया जी, लोगों के व्यापारियों सहम का माहौल बनया होया है भी प्रशासन भी वह गुंडा राज नूं शह दे रहा है। मंग असी करते हैं जी भी देखो प्रोटेस्ट साडा चलता रहूगा, जे असी देखो असी एक हफ्ते का टाइम देवे, जे साडियां मंगा ना मनिया जी, उन्होंने परचे ना दर्ज किए जी, तो यह लंबे समय लिए प्रोटेस्ट साडा जारी रहूगा जी, असी धरने भी करांगे रोस मुजहरे भी करांगे। देखो मैं इत्थे साबका अमीर प्रधान नगर कौंसल बरनाला ब्लाक प्रधान कांग्रेस बरनाला, मेरे नाल मेरे साथी दिहाती तो सतनाम सिंह जी, वह भी इतने आया दिहाती के कांग्रेस के प्रधान ने। चलो पार्टीबाजी तो उपर उठ के असी गल करते हैं, जी पिछले दिनों दौरान पंप से जो घटना हुई सी, असी बहुत कोशिश की, चलो वह भी छोटे बच्चे से इधर भी बच्चे से भी बैठ के शहर के आमन अमान वास्ते, चलो किसी की गलती सी कोई पंप ते आया झगड़ा किया, झगड़े तो बाद आत्म रख्या वास्ते गोली चली, गोली किसी के हिट कर गई, असी चाहते सी बैठ के परिवारक तौर पर दोवें धिर इस मसले को बैठ के शांतिपूर्वक तरीके हल कर लैन, ता जो शहर का माहौल ना खराब हो। पर इस दे विच मौजूदा पोलीटिकल पार्टी के बंद ने आपदा इंटरफेरेंस करके जेड़े दोषी है वो असल च घूम रहे हैं, तो जिन्हां दे पंप दे घटना हुई वह बंदे अंदर आ, प्रशासन तो असी मंग करते हैं वह सियाणप नाल सूझबूझ नाल इस मसले को हल करना चाहिए। शहर का माहौल 20-21 दिन हो गए तनावपूर्ण, इस मसले को बह के दोनों धिर सुलझाउणा चाहिए, जेकर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की तो आने वाले दिन बड़ा संघर्ष जिहड़ा हैगा रूप धारण करूगा। धन्यवाद। जिहड़ा ये थाने दे अगे कुछ लोगों ने आके कोई मुजहरा किया, ये संबंध में दसना चाहना कि 9/7/2022 जोड़े पेट्रोल पंप गैस पंप से एक झगड़ा होया सी, जिहदे विच साडे वल्लों दोनों धिरां दे खिलाफ ही मुकदमा नंबर 6 दर्ज किया गया सी। पेट्रोल पंप के मालिक ने कुछ बंदियां दे गोलियां चलाईयां सी, जिहदे विचों विक्टम तरलोक सिंह सी जिहड़ा DMC दाखिल भी रहा, उस तो बाद उन्हों मतलब इलाज तो बाद हुण उह रैसट ते है। उन्हां दे बयानां दे आधार ते पेट्रोल पंप मालिक दे संजय बंसल दे अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया 307 दा, ते संजय बंसल दे बेटा जिहड़ा हैगा उत्तम बंसल, उन्हां दे बयान दे आधार ते दूसरी धिर दे 6-7 व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिहदे विच असीं 4 बंदियां नूं गिरफ़्तार किया। नहीं जिहड़ी कार्रवाई जिहड़ी जो भी कार्रवाई देखो हुंदी है वह कानून की नज़र च सही हुंदी है, सैल्फ प्रोटैक्शन का अधिकार भी है, पर सैल्फ प्रोटैक्शन लई सरकमस्टांसिज़ वक्रे वक्रे हुंदे ने, ये जिहड़े सरकमस्टांसिज़ सी इन्हां दे विच उन्हां ने डायरैक्ट जिहड़े हिट कीतियां बैक तो कीतियां, इस करके इन्हां दा कोई ये हालात होर ने जिहड़े सैल्फ प्रोटैक्शन दे हालात हुंदे आ, जिथे कोई हादसा हुंदा जां इंजर्ड हुंदा कई जगह ते होर हुंदे ने, पर फिर भी इन हालातों के अनुसार जिहड़ी कार्रवाई पुलिस वल्लों की गई वो सही है। जिहड़ा उन्होंने एक्ट किया सी दूसरी धिर ने किया सी उन्होंने अगेंस्ट भी जो जो ऑफेंस बनता सी जो जो कार्रवाई बनती सी पुलिस ने सही की है, फिर भी ये साडे SSP साहब वल्लों सिट बनाई गई है जिहदी जिहड़े इस केस नूं हैंडल कर ले रहे SPPBI ते DSP साहब बरनाला, तो मैं भी उस टीम का मैंबर हाँ, ये साडे सारे अफसरां वल्लों ही तफतीश की जा रही। देखो दोष लगाना तो हर एक बंदा लगा सकता है, पर साडे इंप्लाई ने जिहड़े वो आपदा एक्ट कर रहे हैं उस वेले दे हालात ने जिहड़े, क्योंकि साडे मुलाजम दो ने दोनों ही जदोजहद करते हैं जिन्नी उन्होंने कोशिश की है फिर भी इस नूं असी जे कोई कसूरवार भी होया वो साडे अफसरां दे ध्यान च है, जो भी होगा वो अगेंस्ट कार्रवाई की जाऊगी। जिहड़ा इन्होंने घराओ किया जां इहदी अजे तक तो सानू कोई नॉलेज नहीं इन्होंने दित्ती भी असी की चाहते हाँ, फिर भी जिहड़ा ये कुछ दसना चाहणगे असी इन्हां नूं सुणांगे, सुनने तो बाद असी ऑफिसर दे ध्यान च लियावांगे, जो अगे कार्रवाई बनती हुई असी करांगे। नहीं इन्हां ते भी परचा दर्ज होया, दूजी धिर ते भी परचा दर्ज होया, दूजी धिर दे असी 4 बंदे गिरफ़्तार भी कर ले ने,
गिरफ़्तार कर लेने क्योंकि ऑफेंस अवेलेबल सीगा असी उन्हां दी बेल ले ली है। इन्हां दे अगेंस्ट जिहड़ा जुर्म है अवेलेबल नहीं सी उन्हां नूं असी जुडिशल कस्टडी भेजिया। तो जेकर कोई होर कुछ कहना चाहते कोई एविडेंस देना चाहते तो असी लवांगे जरूर लवांगे। सो पुलिस प्रशासन भी जिहड़ा मौके पर पहुँच चुके ने की गलबात होगी सो तुसी देखोगे।